निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरक्षण की लिस्ट भी अब जारी हो गई है। अयोध्या से महिला प्रत्याशी मेयर चुना जाएगा। अब ऐसे में अयोध्या में क्या है जनता का माहौल, इस बार जनता किसको चुनेगी और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे प्रत्याशी, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि इस बार मेयर की अगर बात करें तो मेयर प्रत्याशी कौन होगा और कौन से दावेदारी होगी और किन मुद्दों को चुनेगी। इस बार अगर बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में कौन सी मुद्दाएँ हैं और किन चीज़ों पर इस बार विशेष ध्यान होगा जनता का? सर, अब जैसे नया मेयर चुनना है तो अनीता भी जो है शरद पाठक जी को जो है मतलब हम लोग चुनेंगे। तो पिछले वर्ष तो ऋषिकेश उपाध्याय थे, क्या उन्होंने कुछ कार्य किया आपके क्षेत्र में या फिर कुछ ऐसी? तो नया क्षेत्र जुड़ा है भी जो है, मतलब आपकी बार पहली बार जुड़ा है तो हम लोग जैसे अब हमारे क्षेत्रीय ये हैं तो हम लोग जो है मतलब बिल्कुल जो है मतलब चुनेंगे। आप किसको इस बार चुनेंगे? अनीता शरद पाठक को मेयर चुनेंगे। क्यों, क्या कारण है? वो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, उनको हम पहचानते हैं, वो हम मिलनसार आदमी हैं। इन मुद्दों को इस बार विशेष माना जाए? मुद्दा है कि हमारे वो बहुत करीबी हैं और लोकप्रिय। करीबी की बात ना करें, अगर मुद्दा कोई हो अयोध्या में तो क्या मुद्दा होगा आपके लिए? विकास का मुद्दा होगा। अयोध्या में विकास तो चल रहा है? नहीं, तो अयोध्या में विकास इसके पहले जो मेयर थे वो किए हैं, लेकिन अब इस बार अनीता शरद पाठक को हम लोग विकास के पर्पज पर चुनेंगे। ये कहा जाए कि इस बार मेयर बदला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बदला जाएगा। क्या लगता है आपको इस बार जनता का मूड क्या है अयोध्या की? देखिए, हमारे इन 5 सालों में ऋषिकेश उपाध्याय जी कोरोना काल में कहीं निकले नहीं हैं। सरकारी योजनाएँ जो आई वो भी नहीं दिलवा पाए हैं वो। और हमारे शरद पाठक बाबा 5 साल में कोरोना काल चला है, कोरोना काल में घर घर जाकर के लोगों को मदद दिए हैं और हर 24 घंटे में कभी भी कहीं भी रहिएगा फ़ोन करिएगा आपके घर पे पहुंचते हैं वो। इतने मिट्टी कितने तिरही में हो गए हैं, कोई नहीं गया, कोई भाजपा का नेता नहीं गया है। और मैं चाहता हूँ शरद पाठक अनीता पाठक को इस बार टिकट दे करके भारी मतों से विजयी बनाया जाए। क्या विशेष है इस बार अनीता पाठक में? अयोध्या में तमाम मुद्दाएँ हैं। अब मुद्दाएँ तमाम हैं हमारे यहाँ। रोड चौड़ी हो रही है, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तब शरद पाठक जा कर के लोगों को आंदोलन करते हैं, आंदोलन में मतलब बताते हैं लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। वो ये चीज़ बताते हैं कि मुआवजा दिया जाए, लेकिन ये भाजपा वाले नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बार शरद पाठक बाबा को टिकट दे करके मेयर बनाया जाए। अगर चर्चा चुनाव की हो तो चाय की भी चुस्की ले लेना चाहिए। हम अयोध्या में हैं और होटल पर मौजूद हैं, तो हर चुनाव में चर्चा चौराहे पे होती है, तो चुनाव में चर्चा किस बात की है? दादाजी, इस बार क्या रहेगा जनता का मूड? अगर आपकी बात करें अयोध्या में तो किसको चुनेंगे इस बार? हम तो बस अनीता जो है पाठक, शरद पाठक को चुनेंगे। कारण क्या है इस बार? कारण ये है कि जो है वो हर मौके पे हमको मिलते हैं, काम काज में बराबर आते जाते रहते हैं, संपर्क जो है अच्छा है। मुद्दा क्या रहेगा अयोध्या में? मुद्दा यही है, तमाम मुद्दाएं हैं, मंदिर बन रही है उसमें भी है और तमाम ऐसे जो है कार्य हो रहे हैं कि जो है ये भाजपा में रह के अच्छा कार्य कर रहे हैं। अयोध्या तो भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। तो भाजपा का गढ़ है ही है जी, अयोध्या भाजपा का गढ़ है ना। तो इस बार मतलब ये कहें कि ऋषिकेश उपाध्याय मेयर रह चुके, उनके कार्यकाल अच्छे नहीं थे क्या? जी नहीं, अभी आज तक उनको हमने देखा भी नहीं है। अभी आज तक ऋषिकेश उपाध्याय को हमने देखा नहीं चौराहे पर। अच्छा। अब आते जाते हो भाई, तब कौन पता, तमाम आते जाते हैं, इसको कौन दिक्कत। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।